अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन का जरूर दबाइए, इससे क्या होगा आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजय, आप देख रहे टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाला हूं एंड्रॉइड ओ यानी कि 8.0 और आईओएस 11 का कंपैरिजन। एंड्रॉइड और आईओएस जो है 9-10 साल पहले इसका रिलीज हुआ था पहली बार। ये जो 9-10 साल है इससे बीच में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज हुआ है, लेकिन ये दो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हर बार वो टॉप में रहा है और एक दूसरे का कॉम्पिटिटिव रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक शॉर्ट कंपैरिजन एंड्रॉइड 8.0 और आईओएस 11 के बीच में। मैंने पहले भी एक एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। पहला और हॉटेस्ट फीचर्स जो एंड्रॉइड 8.0 ओरियो का है वो है बैकग्राउंड रेस्ट्रिक्शन। बैकग्राउंड का जो ऐप जो रनिंग है उस पर रेस्ट्रिक्शन होगा। एंड्रॉइड 7.0 नॉगट पर ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था, अब आने वाला है ऐसा रेस्ट्रिक्शन जिससे आपका जो बैटरी लाइफ है हो सकता है बहुत इंक्रीज हो सकता है, और ये जो फीचर्स ऑलरेडी आईओएस पर है। और एक एंड्रॉइड का ग्रेट फीचर जो एंड्रॉइड 8.0 में ऐड किया गया है वो है नोटिफिकेशन सिस्टम का बहुत चेंज हो गया है। अब यहाँ पर जो है जो एप्स का ऊपर राइट साइड में टॉप साइड टॉप राइट में एक आइकन देखने को मिलेगा, और आइकन पर जो भी उस एप्स का जो भी पेंडिंग नोटिफिकेशन है वो इंडिकेट करेगा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस एप्स का कौन कौन नोटिफिकेशन अभी पेंडिंग है आपने नहीं चेक किया। ये भी ऑलरेडी आईओएस पर अवेलेबल है। आईओएस का 3D टच फीचर्स है, आइकन पर कुछ देर तक आपको टच करके रखना पड़ता है, उसके बाद जो उसका नोटिफिकेशन शो होता है, ऐसा फीचर्स भी एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पर ऐड होने वाले हैं। 11 पे जो कॉपी पेस्टिंग में बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही आसान होगा। इस पे आप कोई भी वेब पेज का कोई भी टेक्स्ट को कोई भी इमेज को कोई भी लिंक को सिर्फ सिलेक्ट करके उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहां पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। और ये जो फीचर्स है एंड्रॉइड 7.0 में है, और 8.0 में इसका इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं। इसमें क्या होगा, जो भी अगर आप किसी लिंक को सिलेक्ट करते हैं तो उस लिंक का जो भी स्टैंडर्ड एक्शन होगा वो आपको देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट आईओएस 11 का अपडेट है नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स जो इनबिल्ट होगा आईओएस 11 पर, जो एंड्रॉइड पर नहीं है। आप अगर आपका जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसका अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको क्या करना पड़ता है, एप्स डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन जो आईओएस 11 होगा उस पर ये एप्स इनबिल्ट होगा। नेक्स्ट फीचर जो एंड्रॉइड 8.0 के साथ आने वाला है वो है ऑटोफिल एपीआई। इससे क्या होगा, जैसे आप क्रोम पर जो पासवर्ड और ईमेल आईडीज है यूजर नेम है वो आप सेव करके रख सकते हैं और वो ऑटोफिल हो जाता है, ऐसा ही फीचर्स आने वाला है एंड्रॉइड 8.0 पर। लेकिन आईओएस ऐसा कुछ फीचर्स लाने का सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि ये सोचता है कि ये सिक्योरिटी के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है पिक्चर इन पिक्चर मोड, जो अभी आईओएस 9 पर आईपैड के लिए आ चुका है, लेकिन आईफोन पर ये फीचर्स अभी तक नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड 8.0 ओरियो पर ये फीचर्स आने वाला है। इस पर क्या होगा, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ईमेल चेक करें तो आपको वो वीडियो पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं करना पड़ेगा, स्टॉप नहीं करना पड़ेगा, क्लोज नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ उसको उस स्क्रीन के ही एक साइड में आप को फ्लोट करके या फिर एक दूसरे लेयर पर उसे रख सकते हैं और वो इमेज चेक करते करते वो वीडियो आप देख सकते हैं। iOS 11 पर सीरी को आने वाला है एक पावर, जिससे वो जो भी आप कमेंट देंगे जो भी आप कहेंगे वो कोई भी कॉमन लैंग्वेज पर वो ट्रांसलेट कर पाएगा, और उसका जो वॉइस है वो लेस रोबोटिक होगा, यानी कि रोबोटिक जो इफेक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप एंड्रॉइड और iOS का ये फीचर्स आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों में कॉम्पिटिशन बराबर का है। जहाँ पर एंड्रॉइड नया फीचर्स ला रहा है, हालांकि वो iOS का सेम टू सेम है, लेकिन ला रहा है जो नया फीचर्स, और वहाँ पर iOS ने बिजी है उसका जो फीचर्स है उसको और भी इम्प्रूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो और भी देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट पर जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, और अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।